हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पिक्सल वर्ल्ड पिंडौल में। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने सीखा था कि मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फो के अंदर हम लोग ग्रुप्स के बारे में, जो कितने प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन सा ग्रुप्स होते हैं, उसका क्या कार्य होता है, आज हम लोग लेजर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, लेजर जिसका हिंदी नाम खाता होता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि मैनुअल अकाउंटिंग जो आपने कॉमर्स में सीखा होगा, उसमें क्या होता है कि हम लोग जितने भी एंट्री पास करते हैं, उस एंट्री के बेस पे हम लोगों को क्या करना होता है, खाता बनाना होता है और फिर खाते का बैलेंस मिलाना होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, फर्क इतना है कि मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग एंट्री के बेस पर लेजर बनाते हैं और यहाँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में सबसे पहले लेजर बनाना होता है और लेजर के बेस पे क्या करना होता है, एंट्री पास करना होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको जीरो एंट्री पास करना बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको आज इतना बताता हूं कि हम लोग किसी भी लेजर को कैसे पास करेंगे, अर्थात किसी भी लेजर को कैसे बनाएंगे। यहाँ लेजर दो प्रकार के होते हैं। चलिए मैं सीखता हूँ कि कैसे हम लोग लेजर बनाते हैं इंडिविजुअली। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग आते हैं किसी कंपनी को ओपन करने के बाद ये गेटवे ऑफ टैली खुलता है, अकाउंट्स इन्फो में आते हैं और अकाउंट्स इन्फो में आने के बाद लेजर जैसे ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ आपको दो टाइप के लेजर मिल रहे हैं, एक सिंगल लेजर, एक मल्टीपल लेजर। दोनों लेजर में तीन ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। मैं सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर दोनों पर चर्चा करूंगा और दोनों के इस तीनों ऑप्शन पर आज मैं चर्चा करूंगा। चलिए समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सिंगल लेजर के अंदर क्रिएट जैसे ऑप्शन पर हमारा कर्सर है, जिसको मैं इंटर किया, हमारे पास लेजर क्रिएशन का एक फॉर्म खुल गया। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, लेजर क्रिएशन का एक ये फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहला है नेम, लेजर का नाम देना आपको। आप जो लेजर बनाने जा रहे हैं वो कौन सा लेजर बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं बनाता हूं एक SBI बैंक अकाउंट, ठीक है दोस्तों। यहां पर जब आप इंटर दबाएंगे तो पूछेगा अंडर, ये अंडर क्या है, यही ग्रुप्स है जो पिछले क्लास में मैंने आपको चर्चा किया था। अब ये जो SBI बैंक है वो इस 3400 ग्रुप में से किस ग्रुप का ये लेजर है, ये आपको समझना होगा। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, आपका टैली, समझिए कि बेसिक टैली आपका उसी दिन खत्म हो गया। ये समझने की बात होती है, ये आपको आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा आपको ये चीज उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है SBI बैंक अकाउंट, तो इतना तो ये क्लियर हो गया कि अगर ये बैंक अकाउंट है तो बैंक में ही जाएगा और बैंक हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक ODI अकाउंट और बैंक OC अकाउंट। तो ये आपको पता होगा कि ये बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है। जब कुछ नहीं दिया जाता है तो नॉर्मली बैंक अकाउंट होता है। अगर वहां पर लिखा जाएगा SBI करेंट अकाउंट तो आप बैंक ODI अकाउंट डालेंगे और अगर आपका शेयर मार्केटिंग के रिगार्डिंग आपने अकाउंट खोला है तो बैंक ODI अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट क्या होता है, हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है। तो मैंने बैंक अकाउंट पर क्लिक किया। अब जो ही आपने बैंक अकाउंट पर क्लिक किया तो ये जो बैंक अकाउंट खुलेगा वो किसके नाम पर खुलेगा, कंपनी के नाम पर खुलेगा। तो देखिए, पिक्सल वर्ल्ड पहले से लिखा हुआ जो आपका कंपनी का नाम है, अब आप वहां अकाउंट नंबर दीजिए, IFSC नेम दीजिए, बैंक नेम दीजिए, ब्रांच दीजिए, चेक वगैरह जो इशू होता है तो ये सब सेट करना होता है। मैं फिलहाल सबको स्किप करता हूं, लेकिन जब आप जहां काम करेंगे, जिस कंपनी में भी आप काम करेंगे, आपको ये डिटेल भरना होगा या आपसे पहले जो एम्प्लॉई उस पोस्ट पर रहे होंगे वो फिल किए होंगे, ये सब जरूरी है। बिना इसके आप बैलेंस नहीं मिला सकते, जैसे कि जब आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वहां आपको दिक्कत होगी। तो ये सब डिटेल आपको भरना होता है, ओके। नेक्स्ट, अब आप यहाँ बैंक का एड्रेस वगैरह दीजिए पिन कोड के साथ और ये देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस, ये समझना जरूरी है। यहाँ से आप किसी भी बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब जो क्लोजिंग हुआ था वही ओपनिंग हुआ। मान के चलिए कि ये कंपनी बहुत वर्षों से चल रही है और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस इस वर्ष में ओपनिंग कर रहे हैं, तो वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ देना है। आपको जो देना है दे दीजिए, फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो आप एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, आपका ये बैंक अकाउंट बन गया, ठीक है। SBI का बैंक अकाउंट जो आपने बनाया ये आपका बन गया। चलिए एक और बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल काउंट। तो कैपिटल जो होता है वो आपका कहाँ जाएगा दोस्तों, ध्यान भी ये रखना है कि यहाँ पर लेजर का हेड जो आप चूज करेंगे ये इसी अनुसार से बैलेंस शीट में पोस्टिंग होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेजर के बेस पर वो ऑटोमेटिकली बनता है। अगर आप यहाँ मिस्टेक करेंगे तो वहां पर भी मिस्टेक होगा, गलत होगा, ठीक है। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है वो कहाँ जाता है, कैपिटल के अंदर जाता है, ठीक है। आप कैपिटल का सारा डिटेल भरिए, ठीक है, मैं फिलहाल एक्सेप्ट करता हूँ। तो अभी मैंने दो लेजर बनाया, अगर मुझे इस दो लेजर को देखना होगा तो हम बैक आएंगे लेजर के अंतर्गत ही और डिस्प्ले में आएंगे। आप देख पाएंगे कि यहाँ चार लेजर है, ये क्या हो गया, मैंने तो दो ही बनाया। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले सेशन ही बताया था कि दो लेजर बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट टैली में पहले से ही बने होते हैं, तो यहाँ से आप सभी लेजर को देख सकते हैं, कुछ एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ देखने की चीज है, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्ले के अंतर्गत है, ठीक है। देख लीजिए, कैश अंदर कैश इन हैंड बना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी होता है, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। फिर SBI बैंक अकाउंट ये देखिए, ठीक है। अगर जैसे कि अभी मैंने SBI अकाउंट नंबर छोड़ दिया, अब मुझे इसमें SBI का अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है, तो मैं कैसे डालूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले में नहीं आके अल्टर में आऊंगा, ठीक है। अल्टर में आऊंगा तो ये जिसको भी अल्टर करना है उस पर जाएंगे, एंटर दबाएंगे, मेरा कर्सर आ गया, देखिए अब हमको जो भी फिल करना है मैं इसको फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए IFSC जो है मैंने दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि IFSC जो होता है वो एक सीरीज होता है जिसमें चार अल्फाबेट होते हैं, एक जीरो होता है और फिर छह नंबर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन आप फिर भी ट्राई करना चाहते हैं तो प्रेस कर सकते हैं एंटर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपका ये एक्सेप्ट हो गया। अब जब आप इसको डिस्प्ले में जाके देखेंगे, ये आप एल्टर से भी देख सकते थे, तो देखिए आपने जो फीड किया डेटा वो डेटा आपका सेव हो गया। यहाँ अगर एक्सेप्ट हो गया मतलब सेव हो गया, दैट इज कॉल्ड लेजर क्रिएशन, लेजर डिस्प्ले और लेजर ऑल्टरेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मल्टीपल लेजर में। मल्टीपल लेजर में भी तीन ऑप्शन, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। अब चलिए थोड़ा सा जानने की बात है, अगर मुझे फिक्स एसेट्स के अंदर फर्नीचर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, मशीनरी बनाना है और कुछ बनाना है, तो सिंगल लेजर से हमको बार बार बनाना पड़ेगा। इसी चीज से बचने के लिए हम मल्टीपल लेजर का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल लेजर का फॉर्म भी थोड़ा अलग होता है, ये देखिए सबसे पहले कह रहा है अंडर ग्रुप, यहाँ सबसे पहले आपको ग्रुप ही चूज करना होगा, जबकि वहां पर क्या आता है, पहले लेजर चूज करना होता है और फिर लेजर के अंतर्गत हम लोग ग्रुप चूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ग्रुप ही चूज करना, तो ग्रुप में ले लेता हूँ फिक्स एसेट्स, F दबाया, फिक्स एसेट आ गया, और कह रहा लेजर का नेम बिल्डिंग अकाउंट, जो भी बैलेंस है डाल दीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए, दूसरा नेचर अकाउंट, बैलेंस दीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए, फर्नीचर, कंप्यूटर, अगर जो भी कुछ है आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका चार लेजर एक बार में बन गया। अगर आप यहां से भी डिस्प्ले करते हैं तो आपको उतना सारा चीज दिखाएगा, देखिए अलग अलग दिखा रहा है, जैसे बिल्डिंग अलग से दिखा रहा है ना, कंप्यूटर अलग से दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर क्या होगा कि पहले आपको ग्रुप चूज करना, क्योंकि यहाँ ग्रुप के अनुसार से दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए जो आसान हो, जिसको आप समझ सके, वैसा काम करेंगे आप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सिंगल लेजर से ही बनाएंगे तो सिंगल लेजर में ही अल्टरेशन करेंगे, या फिर मल्टीपल लेजर से बनाएंगे तो मल्टीपल लेजर में ही अल्टरेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि हमको अल्टरेशन में कंप्यूटर का ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए 10,000 रुपया, ये जो भी डालना डाल दीजिए, आप डाल सकते हैं, आ गया अल्टरेशन, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर को क्रिएट करते हैं और लेजर को अल्टर करते हैं। अब लेजर क्रिएशन में तीन ऑप्शन है,
क्रिएट डिस्प्ले और ऑल्टर। अब ऑल्टर में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी लेजर को डिलीट करना है, जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर किसी लेजर को डिलीट करना है तो आप उस लेजर को ओपन कीजिए अल्ट्रेशन मोड में और एक शॉर्टकट की दबाइए अल्ट डी, तो आपसे पूछेगा यस या नो डिलीट करने के लिए। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं मतलब इंटर दबाते हैं तो आपका वो लेजर डिलीट हो जाएगा। लेकिन कब ध्यान रखना दोस्तों, कब आप अगर इस लेजर से अगर आपने एंट्री पास नहीं किया है तो आपका ये डिलीट होगा, लेकिन अगर आप इस लेजर से एंट्री पास किए होंगे तो वो लेजर डिलीट नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये कब कहाँ कैसे काम करता मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब इसकी चर्चा हम करेंगे, जब इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। अगर आप किसी भी लेजर से एंट्री पास किए होंगे, अगर आप किसी भी लेजर से एंट्री पास किए होंगे तो वो लेजर आपका क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। अगर आपने उस लेजर से एंट्री पास नहीं किए होंगे तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है, अल्ट प्लस डी। ओके तो दोस्तों यही है आज का आपका सेशन। मैं नेक्स्ट सेशन में लेजर के बारे में और डिटेल दूंगा और आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक पीडीएफ नोट्स आज प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।